दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 26 सालों में एक बार भी दुखी नहीं हुआ। 70 वर्ष के बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिकार्ड को दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति माना जाता है। मैथ्यू रिकार्ड आखिरी बार 1991 में दुखी हुए थे जब उनके गुरु की मौत हुई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि मैथ्यू की खुशी से प्रभावित होकर अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने उन पर रिसर्च किया। इस रिसर्च के दौरान उनके सर पर 256 सेंसर लगाए गए। इससे उनको पता लगा कि मैथ्यू रिकार्ड जब मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में गामा तरंगें पैदा होती हैं। मैथ्यू के ब्रेन स्कैन के दौरान इन तरंगों को रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तरह की तरंगों को किसी इंसान में पाया। मैथ्यू कैसे खुश रहते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैथ्यू को ये खुशी का खजाना कहीं और नहीं भारत में ही मिला। पर दुख की बात यह है कि आज भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशी के मामले में दुनिया में 156 देशों की सूची में 140वें नंबर पे है। वैसे हम आपको बता दें, मैथ्यू ने पीएचडी भी की हुई है, यानी वो पेशे से वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों आओ डिस्कस करते हैं मैथ्यू रिकार्ड के वो 5 तरीके जिनके द्वारा वो खुश रहते हैं। पहला तरीका, सुबह उठते ही पीले रंग की किसी चीज को 1 से 2 मिनट तक लगातार देखें, फिर आंखों को 30 सेकंड बंद करने के बाद दोबारा खोलें। अगर आप ये प्रक्रिया उगते हुए सूरज को देखते हुए करें तो ये सबसे बढ़िया होगा। न्यूरोसाइंस में भी पीला रंग खुशी और उम्मीद को दर्शाता है। ऐसे में सोकर उठते ही इंसान के दिमाग में मौजूद खुशी का हार्मोन एक्टिव हो जाता है। अगले कुछ घंटे दिमाग खुश रहेगा। इसी साइंटिफिक कारण के चलते स्माइली की इमोजी का रंग भी पीला है। दोस्तों दूसरा तरीका है काइंडनेस एक्सरसाइज। हर घंटे 10 सेकंड तक की एक्सरसाइज करना। इसके लिए आपको अपनी जगह पर खड़े हो जाना, 10 सेकंड के लिए बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपनी किसी उपलब्धि को याद करो। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, गूगल कंपनी के हर कर्मचारी को ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। दरअसल ऊपर करके बॉडी को स्ट्रेच करने से हमारी मांसपेशियां रिलैक्स मोड में चली जाती हैं। दिमाग इसे समझ के फीलिंग वाले हॉर्मोन्स को नॉर्मल स्थिति में ले आता है। ऐसे में अपनी उपलब्धि के बारे में सोचने पर खुशी वाले हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा तरीका बड़ा आसान है, अपने ऑफिस या घर में अपने सबसे करीबी लोगों की फोटो लगाना। जब भी तनाव हो अपने करीबी लोगों की तरफ देखो। तस्वीर ना हो तो सड़क पर चलती गाड़ियों या घास को भी देख सकते हैं। चौथा तरीका, तनाव महसूस होने पर अखरोट खाओ। अखरोट के अंदर मौजूद केमिकल्स दिमाग के खुशी वाले हिस्से को एक्टिव कर देते हैं। पांचवा तरीका जो हमें मैथ्यू रिकॉर्ड ने बताया है, दिन में 2-3 बार खुलकर हंसना। अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो आप हंसने की एक्टिंग कर सकते हो। आपको पता भी नहीं लगेगा कि धीरे धीरे कभी एक्टिंग असलियत में बदल जाएगी। दोस्तों ये वो 5 तरीके हैं जो किसी अरे गरे इंसान ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खुश इंसान ने हमको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब तरीके जो मैथ्यू रिकॉर्ड ने हमको बताए हैं आप इनको एक बार तो एटलीस्ट जरूर आजमा के देखोगे। और ये वीडियो आप उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो जिंदगी में खुश रहना चाहता है। सबका धन्यवाद।